यार मत जा, यार मत जा के मेरी बात अबे बाकी है। यार मत जा के मेरी बात अबे बाकी है, तेरे बाते की मुलाकात अबे बाकी है। तो हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए प्रोफेशनल का वीडियो का स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए। थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लाइक नहीं करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल दबा जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जिसमें जितना सारा मटेरियल हम यूज किए हैं, सारा चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करके और वीडियो को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना बकवास करते, बिना इंट्रो को हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरी पड़ेगा जो कि कैन मास्टर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर मेरे वाला कैन मास्टर चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर हम दिए हुए तीन कैन मास्टर वो भी फ्री में, पूरा फ्री वर्जन जितना भी प्रीमियम वर्जन होता है वो आपको फ्री में मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको कैन मास्टर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने में तो क्या करना, आपको यहाँ से ओपन करिएगा तो कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस ओपन होगा। तो क्या करना, आपको यहाँ प्लस का जो आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ देखिए आपको जो भी इंटरफेस यहाँ पर खुलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत सारा रेसिव दिया हुआ, आप कोई भी जो रेसिव आप यहाँ से वीडियो को बनाना चाहते हैं, जैसे टिकटॉक के लिए हो गया देखिए 9.16, यानी इंस्टाग्राम के लिए भी हो गया। और देखिए यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है, आप किसी भी आप जो एंगल से बनाना चाहते हैं उस एंगल से आप यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तब यहाँ से 60.9 का जो रेसिव है सबसे फर्स्ट वाला उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए आपको नेक्स्ट बटन ऊपर में क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे क्लिक करें कुछ इस तरह का आपका जो भी गैलरी होगा यहाँ पर खुल जाएगा। तो गैलरी जैसे खुल जाएगा तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। ठीक है, और जो भी मटेरियल हम यहाँ पे यूज किए हैं तो सारा चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को बना सकते हैं। ठीक है, सबसे यहाँ से बैकग्राउंड जो हम इमेज है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए मेरे पास यहाँ बैकग्राउंड इमेज इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करना देखिए उस तरह का यहाँ पर जो बैकग्राउंड है। ठीक है, तो इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, सबको डाउनलोड कर लेना और इसको लेंथ को यहाँ से बढ़ा देना। ठीक है, जितना वीडियो बनाएगा वहाँ तक इतना इसको लेंथ को बढ़ा देना। हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि 25-26 सेकंड का स्टेटस होता है तो इससे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इस वीडियो को हम पूरा फर्स्ट में आ जाएंगे। जैसे वीडियो को फर्स्ट में आए तो कुछ इस तरह के यहाँ पर देखिए आपको जो इंटरफेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर एक पिलर लगाना है। तो पिलर लगाने के बाद यहाँ से जाएंगे लेयर में और यहाँ से आपके मीडिया में। ठीक है, मीडिया में जाएंगे और हम इसको डाउनलोड किए हुए हैं। ठीक है, हम पहले इसको हम डाउनलोड फाइल में जाएंगे। जैसे डाउनलोड फाइल में तो मेरे पास जो भी पिलर होगा उस पिलर के यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस पिलर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम पिलर के यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पिलर को आपको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सेलेक्ट कर इसको इस तरह से आपको पूरा फुल स्क्रीन करना होगा। इसको हम पूरा फुल स्क्रीन इस तरह से कर लेते हैं और करने में क्या करना है, इसको हम यहाँ पर इस जगह पर लगा देंगे। ठीक है, आपको भी इस जगह पर इस तरह से लगा देना, देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पर लगा देना। लगाने में क्या करना है, उसको पहले हम लेयर को लास्ट तक कर लेंगे और आपको भी यहाँ से लेयर को लास्ट तक कर लेना। उसको जाना आपको एनिमेशन में और यहाँ देखिए इंटर जो राइट वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है, इसको रेसिओ को 1.5 कर देना। ठीक है, तो हम इसको 1.5 करते हैं दोस्तों। अब क्या करना है, आपको थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेट करने में क्या करना है, आपको इसको हम खींच कर ले आएंगे लेफ्ट से इसको राइट में ले आएंगे। ठीक है, तो आपको भी लेफ्ट से इसको राइट में ले आना है और यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं और आपको भी यहाँ पर एडजस्ट कर देना। ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरीके से यहाँ पर होना चाहिए, नहीं तो वीडियो परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाएगा। और यहाँ देखिए एन एनिमेशन में जाना है, इसको देखिए राइट की जगह पर इसको लेफ्ट वाला को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेलेक्ट कर लेते कुछ इस तरह का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको चलाना है 2 सेकंड में। ठीक है, इसको हम 2 सेकंड पर आ जाते हैं और यहाँ पर लेयर का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है और मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है। हम यहाँ फिर से डाउनलोडिंग फाइल में जाएंगे, इस जगह हम मेरे पास लड़की का जो PNG इमेज है इसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस जगह आप अपना इमेज भी लगा सकते हैं, किसी दोस्त किसी फ्रेंड किसी का भी इमेज आप लगा सकते हैं। आप आपके ऊपर निर्भर करता है आप किसी का इमेज लगाना चाहते हैं। ठीक है, हम इस लड़की का इमेज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको हम साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको पूरा बीच पोजिशन में यहाँ पर लगा देंगे। लगाने में क्या करना, पहले इसको हम लेयर को लास्ट तक कर लेते हैं और लेयर को लास्ट तक करने में क्या, आप वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आपको देखना होगा तभी वीडियो परफेक्ट तरीके से बन पाएगा। यहाँ पर एक भी पॉइंट अगर मिस करिएगा तो आप वीडियो परफेक्ट तरीके से नहीं बना पाइएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे यहाँ से डुप्लीकेट 3 डॉट का ऑप्शन क्लिक करेंगे और पहले हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करना है
उसको फर्स्ट इमेज में कौन सा इफेक्ट लगाएंगे इसके लिए वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिए, हम फर्स्ट इमेज में इफेक्ट लगाएंगे ठीक है, आपको ध्यान से देखना होगा। तो पहले हम इसको क्या करें, इसको हम 2 सेकंड पर लिए थे, इसको चलाना आप क्या करना, आपको 5 सेकंड में चलाना ठीक है, इसको हम 5 सेकंड पर आ जाते हैं या 4 सेकंड पर जाइए। 4 सेकंड पर आने में क्या करना है, पहले इसको कैंची क्या करना देखिए, इस पर क्लिक करना है और उसके यहाँ ट्रिम टू देखिए राइट के जो ऑप्शन लेफ्ट का जो ऑप्शन देखिए इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करिए और उसको 4 से 7 सेकंड में चले ठीक है, इसको 7 सेकंड पर जाइए, हम इसको 7 सेकंड पर आ जाते हैं, इसको ट्रिम टू जो राइट का ऑप्शन देखिए इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक कर दिए और इसको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करना है, नीचे जाइएगा यानी कि ओवर एक एनिमेशन का ऑप्शन देखिए इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ देखिए आपको स्केल डाउन का जो ऑप्शन देखिए इस पर आपको क्लिक करना हो ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं, देख लीजिए आपका जो कुछ इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा ठीक है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसको 8 सेकंड कर लीजिए, थोड़ा सा लेंथ को बढ़ा देना है, तो इसको हम थोड़ा सा लेंथ को बढ़ा देते हैं, इसको 8 सेकंड कर देते हैं ठीक है, आपको भी 8 सेकंड कर देना है। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर चाबी का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करने में क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करिए और यहाँ से प्लस का आइकन दिखाई इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करिए और क्लिक करके इसको हम घींच कर इस तरफ कर लेंगे ठीक है, आपको भी घींच के इस तरफ कर लेना है और यहाँ पूरा बीच पोजिशन पर रहने देना ठीक है। इस तरह से रहने से वीडियो को प्ले करिए तो कुछ इस तरह का यहाँ पर इफेक्ट लग जाएगा ठीक है। जैसे इफेक्ट लग जाएगा तो क्या करना है, आपको फिर से चलाना 8 सेकंड पर और यहाँ से लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है और फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल जा जाना है। और देखिए मेरे पास यहाँ पर देखिए लड़की का जो PNG इमेज है उसको हम लव PNG में इसको सेलेक्ट मतलब लव PNG में इसको हम लगाए हुए हैं ठीक है, देखिए लव PNG में इसको हम लगाए हुए हैं। इस तरह से आपको इमेज को कैसे लगाना है तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हैं, तो आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाए तो उसका लिंक ऊपर आफ्टर में डाल देंगे, जाके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा किस तरह से लव PNG के अंदर किसी भी इमेज को लगाया जाता है ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसमें बताए हैं, जाके उस वीडियो को आपको देख लेना है, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा ठीक है, उसका लिंक ऊपर आफ्टर में मिल जाएगा उस वीडियो का। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छी तरह से एडजस्ट करेंगे और इसको पूरा बीच पोजीशन पर लगा के और यहाँ पर इसको हम लगाएंगे ठीक है, देख लीजिए आपको इस पोजीशन पर यहाँ पर लगाना होगा ताकि वीडियो अच्छी तरह से देखने में अच्छा लगे, इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगा देते हैं। लगाने के लिए इसके अंदर एनिमेशन डालना होगा जो कि जाना आपको एन एनिमेशन में और यहाँ देखिए पॉप वाला एनिमेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने क्या करना, आपको चाबी का आइकन पे क्लिक करिए, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके प्लस का आइकन पे क्लिक कर देना है, क्लिक कर दिए और इमेज को फर्स्ट में जाना है, फर्स्ट में इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा साइज को छोटा कर लेंगे ठीक है, इसे आपको छोटा कर लेना और यहाँ से वीडियो को प्ले करिए, देखिए कुछ इस तरह का आपका जो इफेक्ट लग जाएगा ठीक है। जैसे लग जाएगा तो क्या करना, आपको चलाना है देखिए इसको 9 सेकंड पर जाना है और आपको फिर से लेयर का सॉरी जो फर्स्ट वाला इमेज है इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन क्लिक करिए, इसको फिर से डुप्लीकेट कर लेना, डुप्लीकेट करिए फिर से कैंची का आइकन पर क्लिक करिए, इसको ट्रिम टू लेफ्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है ठीक है दोस्तों। जैसे इस पर क्लिक करिएगा आपको क्या करना है, आपको इसको 3 सेकंड स्क्रॉल करना है ठीक है, 9 से यानी कि 12 सेकंड पर आपको चलाना है, जिसको हम 12 सेकंड पर आ जाते हैं, आपको भी 12 सेकंड पर आ जाना, जैसे 12 सेकंड पर आ जाएगा उसका फिर से इस इमेज पर क्लिक करना है और इसके ट्रिम टू राइट वाला जो ऑप्शन इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक कर दिए, क्लिक करने क्या करना आपको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करें यानी कि 11 सेकंड पर आ जाइए, चाबी का आइकन पर क्लिक करिए और यहाँ से प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, प्लस का आइकन पर क्लिक करके इस इमेज को हम घींच कर इस तरफ कर लेंगे ठीक है, आपको घींच कर इस तरफ कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। लगाने के लिए आपको बैक आना है, फिर से जाना आपको थोड़ा सा और बैक आइए और जाना आपको ओवर एनिमेशन में और जो हम एनिमेशन बताए थे उसी एनिमेशन का आपको यूज करना है ठीक है, लेकिन स्क्रॉल डाउनलोड ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने फिर से इस इमेज को लास्ट में जाना है, लास्ट में जाइए और फिर से आपको लेयर क्लिक करना है, मीडिया आप क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ से डाउनलोडिंग फाइल चल जाना, उसका सेकंड वाला जो लव वाला PNG इमेज है इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, पहले उसको लेंथ को बढ़ा देंगे, आपको भी लेंथ को बढ़ा देना है, बढ़ाने के लिए इसको हम साइज के साथ छोटा करेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करें ताकि परफेक्ट तरह से वीडियो बन पाए, इस तरह से यहाँ इसको आपको भी एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने में क्या करना है, आपको चाबी का आइकन पर क्लिक करिए, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिए और क्लिक करके इस इमेज को फर्स्ट में जाना है, इसको साइज को छोटा करना है और छोटा करके हम इसको इस पोजीशन पर ले आएंगे, आपको इस पोजीशन पर ले आना है और यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आने में जाना आने बाद क्या करना है, आपको जाना आपको इन एनिमेशन में और पॉप बाय एनिमेशन को आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करिए देखिए वीडियो को प्ले करिए कुछ इस तरह से आपका जो इफेक्ट लग जाएगा ठीक है, कितना बेहतरीन तरीके से लग चुका है। अब क्या करना है, आपको चलाना है इसको 13 सेकंड पर, उसका लेयर क्लिक करिए और यहाँ से मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ से डाउनलोडिंग फाइल चल जाना है। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो है, देखिए लव वाला जो वीडियो ग्रीन स्क्रीन वीडियो, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और देखिए इसको यहाँ से क्रोमा की को एनेबल करना होगा, क्योंकि देखिए जो इसका ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड में ठीक है, इसको रिमूव करना होगा, रिमूव करने के लिए आपको देखिए वीडियो को पहले सेलेक्ट करिए, देखिए वीडियो का आपको सेलेक्ट होना चाहिए, उसका देखिए यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन दिखाई इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से स्विच को ऑन कर देना, ऑन कर दीजिए
और ऑन करना देखिए आपको नीचे वाला को 50% कर देना, ऊपर वाला को भी 50% रहने देना है। इसको इसको हम इस जगह पर लगाएंगे, इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है, चलिए इतना सही है, और इसको इसी जगह पर यहाँ पर लगा देना। ठीक है, वीडियो को प्ले करके देखिए यहाँ परफेक्ट तरीके से हुआ या नहीं हुआ, इस तरह से आपको परफेक्ट तरीके से यहाँ पर एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, वीडियो को पूरा फर्स्ट मारना होगा। ठीक है, वीडियो में पूरा फर्स्ट मारेंगे और यहाँ से लेयर का ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मीडिया का ऑप्शन क्लिक आपको फिर से गैलरी खुल जाएगा। जैसे गैलरी खुलेगा तो क्या करना, आपको जो भी डाउनलोडिंग फाइल में होगा जहाँ पर डाउनलोड किए होंगे और जो इसमें हम जो इमेज यूज करेंगे, हम हर एक वीडियो में इसको इस इमेज को यूज करते हैं, और मैं अगर वीडियो देखते हैं रेगुलर तो आपको पता होगा किस तरह से इस इमेज को डाउनलोड किया जाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा मतलब वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, इस हम इमेज को सेलेक्ट करेंगे, जो फ्लावर वाला जो इमेज, इसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना। ठीक है, सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करके हम इसको इस जगह पर यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। लगाने में पहले हम लेंथ को इसको बढ़ा देना। ठीक है, आपको भी लेंथ को इस तरह से बढ़ा देना है और यहाँ से चाबी के आइकन पर क्लिक करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करना है क्या करना, आपको चलाना है 12 सेकंड पर, और 12 सेकंड पर आने में हम इसको हम घींच कर इस तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो आपको भी घींच कर इस तरफ कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लगा देना। ठीक है, इस तरह से आपका जो इमेज कुछ इस परफेक्ट तरीके से यहाँ तक का बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, वीडियो को पूरा फर्स्ट मारना है। फर्स्ट मारने क्या करना, लेयर क्लिक करना है, मीडिया आप क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ से और आपको डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है। और जैसे डाउनलोडिंग फाइल में चलेगा तो उसको देखिए मेरे पास, सॉरी यहाँ से बैक आ जाते हैं, यहाँ इस फाइल में होगा तो मेरे पास इस जगह फाइल में है, तो इस जगह फाइल में चल जाते हैं। और देखिए ब्लैक बैकग्राउंड वाला जो वीडियो है इसको सेलेक्ट करेंगे, तो इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो पहले हम वीडियो के यहाँ से लोडिंग होने देते हैं, जैसे लोड हो जाएगा तो उस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, और कैसे उस वीडियो को लगाना वो भी आपको बताएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको देखना होगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए, और एक पॉइंट और बचा हुआ तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी वीडियो बना पाएगा परफेक्ट तरीके से। इसको हम इस जगह पर लगा देते हैं, इस तरह से आपको भी यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। लगाने में क्या करना, आपको नीचे आइएगा, सबसे नीचे जाइए, ब्लेडिंग वाला पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्किन पर आपको सेट कर देना है, सेट कर दीजिए। और उसका देखिए फ्लावर वाला को मैं से पहले सेलेक्ट करेंगे, इसको क्या करें थ्री डॉट का उसमें क्लिक करेंगे और विंग टू फ्रंट कर देंगे, आपको फ्रंट कर देना। अब फाइनली आपको बच गया जो पहला जो इमेज सेलेक्ट किया था लड़की वाला, इसको सेलेक्ट करना है, आपको इन एनिमेशन के अंदर जाना है, इसके अंदर एनिमेशन लगाना। ठीक है, एनिमेशन लगाने के बाद जाना है इंटर सेलेक्ट यू एफ का जो ऑप्शन देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिए और क्लिक करके इसको रेशियो को आपको 1.5 कर देना, नहीं तो इसको 1 सेकंड ही रहने देना। ठीक है, रहने दीजिए और आपको इसके अंदर एक एडियो लगाना है। एडियो लगाने के सबसे पहले जो बैकग्राउंड जो हम वीडियो सेलेक्ट किए थे जो इफेक्ट वाला, इसको सेलेक्ट करिए, इसको म्यूजिक के यहाँ से बंद कर देना, यानी कि म्यूट कर देना है, और वीडियो को पूरा फर्स्ट मारिए और इसके अंदर एक एडियो लगाना। एडियो लगाने के एडियो का ऑप्शन क्लिक करना है, आपको चले जाना एल्बम में, एल्बम में जाइए और देखिए मेरे पास यहाँ पे एक एडियो है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक एडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको भी एडियो का इस एडियो का लिंक आपको चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल पर आपको वहाँ डाल देंगे, जाके वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड कर आप इसको लगा सकते हैं, प्लस के आइकन पर क्लिक करिएगा तो आपको जो एडियो है नीचे ऐड हो जाए। पहले हम उसको साउंड को कम कर देते हैं और यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करें तो नीचे देखिए आपको एडियो नीचे ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से वीडियो को हम प्ले करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना। ठीक है, अब देख सकते हैं कितना अच्छा कितना बेहतरीन तरीके से वीडियो बन चुका है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल दबा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हम डालते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नीचे आप कमेंट कर जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, और आपको किस तरह से वीडियो चाहिए नीचे जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और लेटेस्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।